हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मारुति की तरफ से सबसे ज़्यादा सोल्ड होने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का डिज़ायर वेरिएंट, और अब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट कंफर्म हो गया है। मारुति ने कंफर्म किया है कि 4 नवंबर 2024 को ये गाड़ी लॉन्च कर दी जाएगी, ये कंफर्म डेट आ चुकी है। इस गाड़ी की कई बार कैमोफ्लाज इंडियन रोड पर स्पॉट किया गया है। अपडेटेड फीचर्स की बात करी जाए तो इस गाड़ी में आपको न्यू अलॉय देखने मिलेंगे जो कि कन्फर्म है। फर्स्ट इन सेगमेंट सनरूफ देखने मिल जाएगा और उसी के साथ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने मिलेगा। अब इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करेंगे कैसे लुक आने वाले हैं, गाड़ी में क्या पावर प्रोफाइल रहेगी और कैसा इंटीरियर रहेगा। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट करी जाएगी और 10.5 लाख रुपए तक टॉप मॉडल जाएगा, और गाड़ी का लॉन्च 4 नवंबर 2024 को किया जाएगा। गाड़ी के प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पर आ रही है जो कि हार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट आई है। इसी के साथ इस गाड़ी के लुक की बात करी जाए तो गाड़ी के लुक में थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिलेंगे। सिमिलर लुक रहेगा स्विफ्ट जैसा ही, लेकिन फ्रंट पर हो सकता है थोड़े से अलग स्टाइल के DRL और फ्रंट ग्रिल थोड़ी सी ज़्यादा और क्रोम के साथ आए। गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग में बात करी जाए तो आपको डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने मिल जाएंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली 15 इंच के रहेंगे। लोअर मॉडल्स में आपको ड्रम व्हील देखने मिलेंगे। वहीं बैक साइड की बात करी जाए तो बैक साइड पर जो आपकी बूट रहने वाली है उसमें आपको मैट्रिक्स स्टाइल की टेल लैंप्स देखने मिल जाएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है एक टोयोटा वियोस करके गाड़ी आती है उससे। सिमिलरली देखा जाए तो इस गाड़ी का जो कैमोफ्लाज में देखने मिला है उससे पता चलता है अपन को कि गाड़ी की जो साइजिंग है वो बिल्कुल सेम रखी गई है पुरानी की तरह ही। चेंजेस की बात करी जाए तो मेजरली चेंजिंग एक्सटीरियर में सिर्फ फ्रंट ग्रिल, न्यू अलॉयस और बैक साइड की लाइटिंग में आने वाला है। अब चलें गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल की तरफ तो इंटीरियर में सबसे वन ऑफ दी बिगेस्ट चेंज आपको देखने मिलेगा एक बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम। स्विफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने मिलने वाला है आपको। उसी के साथ उसमें रहेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और काफ़ी सारी नई चीज़ें। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ का ऑप्शन आने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये चीज़ कन्फर्म इसलिए है क्योंकि कैमोफ्लाज में भी देखा है और कई बार ये गाड़ी स्पॉट भी कर चुके हैं। उसी के साथ वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से एक वन ऑफ दी बेस्ट चीज़ों में से एक है। क्यों? क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। उसी के साथ ही साथ जो पर्सनली स्पीकिंग मुझे इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है इस गाड़ी में आने वाला 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा कन्फर्म मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी आने वाली है और कैमोफ्लाज में अपन को सामने की तरफ एक कैमरा भी नज़र आया है। ड्यूल टीम में आएगा ये, एक फ्री स्टैंडिंग टस्किंग यूनिट तो होना ही वाला है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देखने मिलेगा जो कि अभी आपको करंट स्विफ्ट में देखने मिलता है। टैन इंटीरियर गाड़ी में मोस्ट प्रोबेबली देखने मिलेगा लेकिन सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स के लिए। अब बात करें इस गाड़ी में आने वाले इंजन प्रोफाइल के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली इस गाड़ी में रहेगा आपका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जेड सीरीज पेट्रोल इंजन जो कि आपको न्यू जेन स्विफ्ट में देखने मिलता है। तकरीबन 87 BHP की ये गाड़ी पावर बनाएगी, 114 Nm का टॉर्क बना के देगी। फ्रंट व्हील में इसकी पूरी पावर जाने वाली है। एक 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स और एक 5-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ आएगी। अगले 1 से 1.5 महीने बाद इस गाड़ी के लॉन्च के आपको CNG वेरिएंट देखने मिल जाएगा, लेकिन जो हाइब्रिड वेरिएंट है ना उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। गाड़ी के लुक की बात करी जाए तो आपके जो DRLs हैं वो पूरी तरीके से अलग आ रहे हैं। इंजन प्रोफाइल भी देखा जाए तो वो पावरफुल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। एवरेज की बात करी जाए तो एवरेज में ये गाड़ी आपको आराम से 22-24 KMPL का एवरेज ला के दे देगी। मारुति की गाड़ी है, एवरेज में ही डोमिनेट कर पाती है। हाइब्रिड आपको बहुत लेट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में तो सेफ्टी प्रोफाइल इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी आई तो मुझे उसमें लगा था कि 5-स्टार की एनकैप रेटिंग आएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। सिमिलर केसेस में आपको 1-स्टार की एनकैप रेटिंग देखने मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है। उसके साथ 360 डिग्री कैमरा आने वाली है वो थोड़ी सी ठीक रह सकती है आपको कि भाई थोड़ा सा सेफ्टी में काम कर जाए। ADAS देखने नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल में 6 एयरबैग देखने मिल जाएंगे, लोअर मॉडल्स में आपको सिर्फ 4 एयरबैग देखने मिलेंगे। अब ये बात हो गई इस गाड़ी की आने की, अब रीजनिंग क्या है आपको इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए या फिर रीजनिंग क्या है कि ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी देखा जाए तो कुल मिला के मारुति की ओरिजिनल बिल्ड गाड़ी है तो आपको एवरेज और एक कम प्राइसिंग में ज़रूर देखने मिल जाएगी। सिमिलरली इस गाड़ी के राइवल्स की बात करी जाए तो इस गाड़ी के राइवल काफ़ी ज़्यादा मेजर्स हैं जैसे कि होंडा अमेज, ह्यूंडई ऑरा और टाटा टाइगर। ये सब गाड़ियाँ सेम लेवल पे आती है, सेम प्राइसिंग में आती हैं, लेकिन लुक के मामले में बात करी जाए तो अब तक की सबसे सुंदर गाड़ी है होंडा अमेज जो कि एक स्लीक लुक के साथ आती है। और होंडा की गाड़ी है तो आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स देखने मिल जाते हैं, बट ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होगी, सारी चीज़ें ला के देगी और एक मारुति के इंजन के साथ आएगी जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है।